अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों, वेलकम टू कायनात बहनी आर्ट्स। आज हमारी क्लास का डे 6 है। आप लोग यहाँ देखकर समझ ही गए होंगे आज मैं आपको क्या सिखाने वाली हूँ, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जल्दी शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जब भी हम किसी को मेहंदी लगाते हैं तो उसका जो हाथ है वो इस साइड से रहता है, मतलब कि उसका डायरेक्शन जो है हमारी साइड रहता है, उंगलियाँ जो है हमारी तरफ रहती है। लेकिन कभी हम खुद को मेहंदी लगाते हैं तो जो हमारी फिंगर्स है वो ऐसे बाहर की तरफ रहती है, सामने की तरफ रहती है। देखिए, अगर हम खुद को मेहंदी लगाएंगे तो जो हमारा हाथ है ऐसा उल्टा रहेगा, ठीक है। तो जब हम कॉपी पे प्रैक्टिस करेंगे तो हम हाथ की डायरेक्शन जो है अपने साइड रखेंगे, फिंगर जो है अपनी तरफ रखेंगे, ठीक है। क्योंकि मेहंदी की जो सारी डिजाइन है वो ऐसे बनाई जाती है, मतलब कि अपनी तरफ बनाई जाती है। कुछ रिवर्स भी बनाई जाती है, लेकिन प्रैक्टिस करने का सही तरीका यही है कि आप हाथ की डायरेक्शन जो है अपनी साइड रखें, ठीक है। आज मैं आपको मेहंदी का बिल्कुल बिल्कुल बेसिक सा हाथ बनाना बताऊंगी, ठीक है। इसमें मैं बॉर्डर बनाऊंगी, यहाँ पे बेल्ट बनाऊंगी और यहाँ पे गेवर बनाऊंगी, बूटा बनाऊंगी और उसी की मैचिंग जो है उंगलियां बनाऊंगी। मैं वही सब डिजाइन चूज करूंगी जो मैंने अभी तक की आपको 5 डेज में सिखाया, ठीक है। हम डिजाइन सीखते जाएंगे और मैं उन्हीं डिजाइन को आपको जोड़ना बताते जाऊंगी, ठीक है। अभी जो मैं हाथ बना रही हूँ आपको इसको देखना है, इसलिए मैं वही सब डिजाइन चूज करूंगी जो सब मैंने आपको सिखाई, ठीक है। तो आप बिल्कुल केयरफुली देखिएगा।
आपको हाथ बनाकर दिखाया है आज, ये मेहंदी की बिल्कुल बिल्कुल बेसिक डिजाइन यूज किए हैं मैंने, और इसमें सभी डिजाइन जो मैं आपको सिखा चुकी हूँ, ठीक है। तो अभी आपको बनाना कैसे है, ये बेल्ट आपको अपने हिसाब से मेजरमेंट करना आना चाहिए, मैंने आपको पहले भी सिखाया है। साइज जो है हमारी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, अगर किसी छोटी बेबी की कलाई है या किसी की कलाई मोटी है, किसी की कलाई पतली है, तो ये बेल्ट आपको उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करना है, चौड़ा पतला मोटा आपको ये करना आना चाहिए, ठीक है। आप सेकंड मैंने यहाँ पे जो है दोनों साइड सेम बॉर्डर यूज किए हैं, जो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में सिखाया था, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी बॉर्डर यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप सेम टू सेम बनाइए, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ट्रिपल लेयर कंगूरे लिए हैं, आप यहाँ पे सिंगल लेयर कंगूरे ले सकते हो। मैंने यहाँ पे जो है ऊपर डेकोरेशन में लीव्स बनाई है, ठीक है, तो आप यहाँ पे लीव्स की बजाय जो आपको इजी लगे, जो आप जिस डिजाइन से आपके काम में फिनिशिंग आए, आप वो डिजाइन यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने बिल्कुल आसानी वाले बिल्कुल बेसिक्स वाले चेक्स बनाए हैं, अगर आपको इससे एडवांस आते हैं, इससे अच्छे आते हैं, तो आप चेक्स भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अभी आपको इसमें एक चीज ध्यान रखना है, जो आप डेकोरेशन इस साइड करोगे वही डेकोरेशन आपको इस साइड भी करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे बूटे की बात कर लेते हैं, तो बूटे का भी सेम वही है, आपको इसका साइज अपने अकॉर्डिंग, अभी हम बूटे की बात कर लेते हैं। मैंने बूटा भी बिल्कुल इसमें मैच करके बनाया है, ठीक है। जो डेकोरेशन वाली बॉर्डर मैंने यहाँ पे स्ट्रेट ली थी, सीधी बनाई थी, वही डेकोरेशन वाली बॉर्डर को मैंने यहाँ पे राउंड शेप दिया है, ठीक है। तो जो भी आप डेकोरेशन यहाँ दोनों साइड करोगे वही डेकोरेशन आपको जो है बूटे के बाहर करना है, ठीक है। मैंने वही सेम चीज यहाँ पे चेक लिए थे, तो उसके सेंटर में भी चेक से यूज किए हैं। अभी मैंने यहाँ पे ट्रिपल लेयर कंगूरा यूज किया था, तो यहाँ पर भी ट्रिपल लेयर कंगूरा यूज किया है, और यहाँ पे मैंने पत्तियों वाली लीव्स वाली डेकोरेशन बॉर्डर यूज की थी, तो यहाँ पर भी मैंने वही बॉर्डर यूज की है, ठीक है। बूटे का साइज भी गलाई के ऊपर ये वाले पार्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, किसी का पार्ट ये वाला छोटा रहता है, किसी का चौड़ा रहता है, किसी का मोटा रहता है, ठीक है। छोटी बेबी का हाथ बिल्कुल छोटा रहता है, तो आपको छोटा यूज करना है, तो साइज जो है हमारी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, बेल्ट का भी और बूटे का भी, ठीक है। सेम टू सेम इसी तरह मैंने जो बेल्ट में मैच करके उंगली बनाई है, यही वाला पूरा के पूरा बेल्ट यहाँ पे छोटा बनाया है, ठीक है। साइज हमारी जरूरत पे डिपेंड करता है, यहाँ पे बूटा बड़ा बनाया, छोटा बनाया, सेम एज इट इज यहाँ पर आकर वो छोटा हो गया, ठीक है। यहाँ पे चेस्ट का साइज छोटा हो गया, कंगूरे थोड़े छोटे हो गए, लिप्स जो है यहाँ पे थोड़ी सी छोटी हो गई। मैं उम्मीद करती हूँ जो डिटेल मैंने आपको समझाई है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको बिल्कुल सेम टू सेम नहीं बनाना है, और अगर आप लोग को लगता है कि हम सेम टू सेम बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा बनेगा, ज्यादा फिनिशिंग आएगी, तो आप लोग जो है सेम टू सेम बनाएंगे। अदरवाइज मैंने आपको बहुत सारी बॉर्डर सिखाई है, बहुत सारे चेक्स भी बता चुकी हूँ ऑलरेडी मैं, ठीक है। कंगूरे का शेप साइज फिनिशिंग ऑलरेडी आपको सिखा चुकी हूँ, जो फर्स्ट डे मैंने सिखाया था वो वाले काम में मिस्टेक नहीं आनी चाहिए। मैंने आपको पेजेस भर भर के प्रैक्टिस करवाई है कोन चढ़ाने की और कंगूरे के डायरेक्शन में बनाने की, ठीक है। देखिए ये ऊपर के डायरेक्शन में बने कंगूरे, यहाँ पे नीचे के डायरेक्शन में बने हैं, लेफ्ट हैंड साइड बने हैं और राइट हैंड साइड बने, ठीक है। जब हम ऑलरेडी इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो जो हमने सीख चुके हैं ऑलरेडी, वो वाली मिस्टेक बिल्कुल भी हमारी अभी नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसमें मैंने वही सब यूज करा है जो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप ग्रुप पे मुझसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ मैंने जो भी डिटेल्स आपको समझाई आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। आप लोग बहुत अच्छे अच्छे अलग अलग यूनिक अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग सफाई से हाथ बनाकर मुझे ग्रुप में सेंड करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।